तो दोस्तों हम आज सीखेंगे स्प्रिंग एसटीएस का यूज़ करना। और स्प्रिंग एसटीएस का यूज़ करने के लिए आपके सिस्टम में इक्लिप्स इंस्टॉल होना चाहिए। और आप इक्लिप्स को ओपन कर लेंगे तो किस तरह से हम एसटीएस को यहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं वो देखिए। आप क्या करेंगे, हेल्प में जाइए, हेल्प में जाके इक्लिप्स मार्केट प्लेस में आप चले जाइए। इक्लिप्स मार्केट प्लेस में जाके ये टाइम लेगा थोड़ा सा, देखिए। फिर आप यहाँ एसटीएस टाइप कर देंगे और यहाँ गो, तो ये सर्च कर लेगा। इंटरनेट ऑन होगा तभी ये काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए आ गया एसटीएस स्प्रिंग टूल 3 स्टैंड अलोन एडिशन। तो इसको आप क्या करिए, इंस्टॉल कर दीजिए। तो ये आपका बस यहाँ पर इसको क्लिक कर दीजिए, कंफर्म। ये टाइम लेगा थोड़ा सा, और जैसे ही ये फिनिश हो जाएगा तो इक्लिप्स को आप रीस्टार्ट करें। और इस तरीके से आप अपने इक्लिप्स के अंदर स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट्स आप बना पाएंगे। तो टाइम ले रहा है क्योंकि ये सारी फाइल्स डाउनलोड होंगी हमारे क्लिप्स के अंदर। देख लीजिए, एक तरीका और भी है, मैं आपको दिखा दूंगा। टाइम ले रहा है तो यहाँ पर इसके बाद आपको, अगर आप बिगनर हैं तो आपको बता देता हूँ कहाँ से आप इक्लिप्स को रिस्टार्ट करेंगे। आप फाइल पे जाके फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे पर ही एक सब मेनू आ जाएगा, उसके अंदर रिस्टार्ट लिखा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्लिक करने पे इक्लिप्स अपने आप रिस्टार्ट हो जाएगा, रिस्टार्ट करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और फिर उसमें हम दिखाते हैं आपको स्प्रिंग इनिशियलाइजर यूज़ करना, ठीक है। या फिर मैं अभी इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूँ आपको स्प्रिंग इनिशियलाइजर कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे स्प्रिंग इनिशियलाइजर ये आ गया पहला, ये यहाँ क्लिक कर दीजिए आप। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मावन प्रोजेक्ट कर लीजिए क्लिक, यहाँ पर जावा, यहाँ पर कोई भी वर्जन आप ले लीजिए स्नैपशॉट छोड़ के, ये 2.7.4 2.6.12 ये ले लीजिए। यहाँ पर अपने ग्रुप आर्टिफैक्ट एक्चुअल नेम ऑफ द प्रोजेक्ट होता है, जो भी चेंज करेंगे वो हो जाएगा। मान लीजिए फर्स्ट स्प्रिंग बूट या हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर स्प्रिंग बूट डेमो प्रोजेक्ट हमारा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका पैकेज नेम आप चेंज कर सकते हैं, जार फाइल हमें चाहिए। यहाँ पर जावा का जो वर्जन है आपके सिस्टम में वो वर्जन आप सेलेक्ट कर लेंगे, जावा 8। अब यहाँ पर एक डिपेंडेंसी, आप क्या यूज करना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। वेब एप्लीकेशन है तो वेब आप लिख लीजिए, वेब उसको सेलेक्ट कर लीजिए। डाटाबेस यूज करना है, जेपीए आप कर लीजिए। आपको जिस तरह की डिपेंडेंसी चाहिए, डिपेंडेंसी आपको यूज़ खुद नहीं लगानी, ये कि मैवन खुद आपके लिए डिपेंडेंसी लगा के दे देगा। बस आपको यहाँ बहुत सारी डिपेंडेंसी है, आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी डिपेंडेंसी आपको मिल जाएंगी, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कर देंगे जनरेट कर देंगे तो ये हेलो वर्ल्ड जिप फाइल आपकी आ जाएगी। ये हमारी डाउनलोड में, इसकी लोकेशन देख लेंगे कहाँ पहुँच गई है। ये हमारी डाउनलोड में हेलो वर्ल्ड है, इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लें यहाँ पर। एक्सट्रैक्ट कर लीजिए,
वो डाउनलोड में ये एक्सट्रेक्ट हो गई। अब आप क्या करेंगे अपने इक्लिप्स में जाने के बाद, देखिए मार्केट प्लेस हो गया तो फिनिश कर दीजिए आप। अब आप क्या करेंगे रिस्टार्ट कर देंगे सिस्टम, ठीक है। रिस्टार्ट में रिस्टार्ट दिखा देता हूँ कहाँ से करते हैं। आप यहाँ चले जाएंगे और यहाँ से आप रिस्टार्ट कर दीजिए सिस्टम, सिस्टम आपका रिस्टार्ट, सिस्टम नहीं इक्लिप्स आपका रिस्टार्ट हो जाएगा और फिर आप स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप इंपोर्ट कर लीजिए, क्लिक किया तो एग्जिस्टिंग मावन प्रोजेक्ट है, क्लिक कर दीजिए, यहाँ से ब्राउज कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड में जाइए, अभी हेलो वर्ल्ड हमने किया था, यहाँ जाइए इस पर क्लिक कर दीजिए, SRC तक जब आएगा तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट हो गया, नेक्स्ट, क्लिक कर दीजिए। इस नाम का प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट है वहाँ पर, इस नाम का प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट है वहाँ पर, इसलिए ही नहीं कर रहा। तो प्रोजेक्ट यहाँ पे होगा हेलो वर्ल्ड नाम का प्रोजेक्ट, यहाँ पर अगर आप देखें तो हेलो, इसीलिए ये हमें नहीं करने दे रहा, अदरवाइज ये हमको करने देता, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, हाँ ये है हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट है यहाँ पर, इसलिए नहीं करने दे रहा। तो आप साथियों इसी तरीके से करेंगे तो आपका है ना स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट यहाँ पर, इसे ओपन कर लेंगे। अब आप देखिए इसको आप ओपन भी कर लेंगे तो आपका ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ SRC में जावा, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पैकेज, इसके अंदर देखिए हेलो सर्वलेट डॉट जावा, GDBC डॉट जावा, लोड ड्राइवर डॉट जावा, ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। मतलब बेस प्रोजेक्ट आपको बना हुआ मिलता है, बस अपना इंक्लूड करिए कोड, अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लीजिए, तो आप इसमें बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। थैंक यू।